आज प्रथम बौद्ध महोत्सव नरोरा में चल रहे इस कार्यक्रम में मैं सूरजपाल राक्षस एडवोकेट अपनी बात रखने के लिए यहाँ आया। इस पूरी टीम का मैं सादर धन्यवाद अदा करता हूँ। इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को जो छोटे छोटे कार्यक्रमों में दरी बिछाने का काम करना, वहाँ उतारी गई कार्यकर्ताओं की चप्पलों को सीरीज में रखने के काम करना जो पसंद करता है, उसको इन्होंने इतने गौरवशाली और भव्य मंच पर बोलने का मौका दिया है। मैं इनको बार बार नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज माघी पूर्णिमा है, ये बहुत ही खुशी का मौका है। आज से 563 वर्ष पूर्व इसी प्रदेश के अंदर संत श्रोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। ये इस देश का इतिहास है। गुरु रविदास कैसी उनकी शिक्षक थी मैं समझता हूं, मैं कुछ बताऊंगा वो सूरज को दिए दिखाने के जैसा होगा, लेकिन आज इस पावन मौके पर उनके बारे में कुछ बातें रखना मैं अवश्य अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। माघी पूर्णिमा है, तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ भी विचार बिंदु है, उसे बहन अभी हमारे बीच में रख के चली गई हैं। मुझे अभी सूचना मिली है कि हमारे बीच में आज की सभा के प्रमुख वक्ताओं में, और मैं समझता हूं मुख्य वक्ता, परमादरणीय शांति स्वरूप बोध जी भी आ चुके हैं। मैं संचालक जी का काम करे दे रहा हूं। मैं जहां भी वो आवाज सुन रहे हैं भाई, कार्यकर्तागण गेट पर जाएं, उनको लेके आए और ससम्मान उनकी उपस्थिति यहां मंच पर कराएं। रविदास, संत श्रोमणि रविदास, गुरु रविदास को इस देश की किताबों ने, लाल फीता साई ने और उन लोगों ने जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी किसी महान व्यक्ति को समाज में जताने और बताने की, उन्होंने किस रूप में हमारे बीच में उन्हें पेश किया और किस रूप में हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है और उनका व्यक्तित्व क्या है। साथियों, बंधुओं, गुरु रविदास जी के बारे में भक्त रैदास करके एक प्रचलन हुआ कि भक्त रैदास, उन्हें भक्ति से जोड़ने के प्रपंच लाए गए, लेकिन यह बताने की जरूरत है कि गुरु रविदास जी ने जो बातें कही उनके माध्यम से ही हम उन्हें जान सकते हैं। गुरु रविदास जी ने एक नारा दिया था, अलख निरंजन। इस अलख निरंजन का क्या अर्थ होता है? क्या है भाई अलख निरंजन? अलख निरंजन का अर्थ होता है जाग जाओ, ऐसे हुए समाज के लोग हैं, जाग जाओ, तुम्हारे हक अधिकार पर ढाका पड़ रहा है, तुम्हारी धर्म संस्कृति और तुम्हारे अधिकारों पर ढाका पड़ रहा है, तुम जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, ऐसे नारा देने वाले संत श्रोमणि गुरु रविदास थे जिन्होंने उस दौर में नारा दिया जब हम स्कूलों के आस पास कर फटक भी नहीं सकते थे, तब उन्होंने ज्ञान हासिल किया। न केवल ज्ञान हासिल किया बल्कि उस ज्ञान को अपने करोड़ों भाई बंधुओं में बांटने का भी हौसला पाला और इस काम को करते करते उन्हें शहादत भी मिली। उनके लिखे हुए लेखों में एक लाइन है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम रहे रैदास रहे प्रसन्न। भाई यहां तो एक बात कह रहे हैं, ऐसा चाहूं राज में, राज चाहने की कामना करना फकीरों का काम नहीं है, भिकमंगों का काम नहीं है। अरे राज की चाहत कोई करेगा? वो करेगा जिसके बाजुओं में जोश होगा, जिसकी भुजाएं फड़क रही होंगी, जो अपने समाज को और देश को गौरवशाली स्तर पर देखना चाहेगा। समाज के स्तर को उठाने के लिए राजसत्ता का और उसकी आवश्यकता को महसूस करने का काम उस दौर में जिन्होंने किया वो गुरु रविदास थे। उनकी तस्वीर बना दी गई जूती गांठते हुए। अरे वो जूती गांठने का काम नहीं करते थे। क्या हमारे नेता जूती गांठने का काम करेंगे?
एक आम आदमी पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज का श्रोमणि हो, समाज का सिरोधार्य हो, उसका काम होता है समाज की रक्षा करना, समाज को आदेशित निर्देशित करना और उसको सही दिशा में आगे बढ़ाना। वो झूठी नहीं गाड़ते थे। अगर कोई ऐसी तस्वीर आपके घरों में है तो ऐसी तस्वीर को रुखसत कर दीजिए। हमें ऐसे रविदास की जरूरत है जिनके हाथों में तलवार हो और जिनके हाथों में दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ साहिब हो। उनके निर्देश मैं समझता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन रविदास और तथागत गौतम बुद्ध और उन जैसे मनीषियों के सच्चे अगुवा हैं, सच्चे सपूत हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वही बात आगे बढ़ाई जिस बात को संत श्रोमणि रविदास जी ने आज से 550 साल पहले कहा। मैं समझता हूं जब उन्होंने अपने राजनीतिक विचार आगे बढ़ाए तो केवल राजनीतिक विचार नहीं थे, उनके एक एक मिशन के लिए जो आवश्यक पांचों चारों बिंदुओं होते हैं जिसमें धर्म भी शामिल होता है, संस्कृति शामिल होती है, इतिहास शामिल होता है, अर्थनीति, शिक्षा और व्यापार शामिल होता है, उन सभी विषयों पर उन्होंने विचार रखे हैं। उन्होंने तोड़ू न पाती पूजू न देवा, राम नाम बिन करूं सह सेवा, समाज सेवा के लिए उन्होंने ठुकराया कि हम राम नाम और बिना पाती तोड़े ही हम समाज की सेवा करेंगे। रैदास जी ने मनुवादी व्यवस्था को ठुकराते हुए, उसको ठोकर मारते हुए जोर दे करके अपनी बात कही, रैदास विप्र न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजो चरण चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। उन्होंने ज्ञान के महत्व को बताया, बुद्धि और विवेक की बातें कहीं। ऐसे योग्य मनीषी और हमारे नायक इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अछूतानंद जी का जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि पर और बिहार आसपास के राज्यों में जिन्होंने संत श्रोमणि गुरु रविदास जी का परिचय समाज से करवाया। पंजाब में एक दूसरे नायक रहे हैं जिन्होंने रविदास जी को आगे पहुंचाया। मैं बाबा साहब से जुड़ी हुई एक बात इस संबंध में कहना चाहूंगा, आज रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, चोखा मेला हो या और दूसरे नायक हो, आज वो क्यों समाज में उतना उच्च स्थान हमें उनका नजर नहीं आता, इसके पीछे एक योजना है, उसे हमें समझना होगा और हमारे भाइयों को हमें जोर दे करके समझाना होगा। ये बात सन 1915 की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन दिनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय एक दिन मौका आया, उन्होंने एक कोटेशन को काट दिया और वह कोटेशन जब उन्होंने काट दी तो यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया, बाबा साहब को यूनिवर्सिटी से निकालने का मौका हो गया। बड़ी विचित्र स्थिति, ऐसी स्थिति कि जब एक गरीब छात्र अपने बच्चों को घर छोड़ करके पढ़ने के लिए अमेरिका गया और बीच में से ही निकलना पड़ जाए। उनसे पूछा गया कि आपने एक कोटेशन क्यों काटी, गलती से काटी है तो माफी मांग लो, हम क्षमा कर देंगे, और जान मान के काटी है तो क्यों काटी है एक्सप्लेन करो, अगर हम संतुष्ट होंगे तो आपको बहाल कर देंगे वरना आप रस्टिकेट हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो कौन सी कोटेशन काटी थी, क्यों मैं इस मौके पर आपको आज उस कोटेशन को बताने जा रहा हूं। बाबा साहब ने जो कोटेशन काटी वो कोटेशन थी, आम आदमी पैदा होता है और एक न एक दिन मर जाता है, लेकिन महापुरुष सदैव सदैव जीवित रहते हैं, ऐसा करके कोटेशन थी। तो बाबा साहब ने कहा, भाई आम आदमी की तो बात ठीक है, आम आदमी पैदा होता है और एक न एक दिन जीवन पूरा करके मर जाता है, लेकिन यह कोटेशन महापुरुषों के बारे में गलत बात कहती है। यह कोटेशन कहती है कि महापुरुष सदैव सदैव जीवित रहते हैं। बाबा साहब ने कहा, मैं इस बात को गलत मानता हूं और मैं इसे गलत सिद्ध भी कर दूंगा। अमेरिका के लोगों की गुजारिश पर, उनके पूछने पर बाबा साहब ने उस कोटेशन को गलत सिद्ध करके दिखाया। कैसे गलत सिद्ध करके दिखाया, उन्होंने कहा महापुरुष जिंदा रहता है, कब जिंदा रहता है, जब उसके विचार
जो उसने विचार पैदा किए हैं वो विचार जिंदे रहे तो महापुरुष जिंदा। अगर उस महापुरुष के विचारों को मार दिया जाएगा तो क्या महापुरुष जिंदा रह जाएगा? जिंदा नहीं रह पाएगा। यही हुआ, बाबा साहब ने जोर देकर के बताया, ए अमेरिकियों, ए ब्रिटेन और यूरोप के लोगों, आप नहीं जानते भारत में बहुत सारे नायकों को मार दिया गया है, आप नहीं जानते भारत में अनेकों महापुरुषों की बलि चढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत से बुद्ध को गायब कर दिया, भारत से रविदास और कबीरदास को भी जीरो पर लेके आ गई। अरे जिसके विचार हमारे बीच में नहीं, क्या वो महापुरुष हमारे बीच में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। साथियों फिर से आज हमें प्रण और संकल्प लेने की जरूरत है। जो बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा कि महापुरुष भी मारे जा सकते हैं, और याद रखना अगर आप नहीं चेते, हम नहीं चेते, हम नहीं जागे, हमने प्रसार प्रचार निरंतर नहीं रखा, हमने अपनी पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों की गौरव गाथा और विचार नहीं बताए, तो साथियों समय के गाल में, काल के गाल में महापुरुषों का समय आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस मौके पर आप लोगों को मैं एक बात और निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जानना और मानना दो अलग अलग बातें हैं, वैसे ही तमाम संतों गुरुओं और महापुरुषों को जानना और मानना दो अलग बातें हैं। हम कितनी आलोचना क्यों ना कर ले अपने भोले वाले समाज की, आलोचनाओं से हल निकलने वाला नहीं है। हमारे जैसे युवाओं को, जो यंग एज के नौजवान हैं, बहन बेटी हैं, उन्हें आगे आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। कोई कुछ भी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता, जो भी होता है सब कुछ यही होता है। आज हम भारतीय संविधान के युग में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम अगर शक्ति का निर्माण करें तो हम कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। इस पर कुछ बातें मैं कहूंगा, जिन चीजों में हम पीछे हैं और हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज, हम साधनहीन समाज से संबंध रखते हैं, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। हम शिक्षा में पीछे चल रहे हैं, इसमें भी हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे पास संस्थाओं का अभाव है, इसे कहने में भी कोई लोकलज्जा नहीं आ रही है हमें। लेकिन हम इन चीजों का निर्माण नहीं कर सकते, यह मैं नहीं मानता। हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे लोगों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। हमारे बीच में अनेकों ऐसे लोग गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने जीरो से चल करके शिखर को छूने का काम किया है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, हम जिस समाज से संबंध रखते हैं वो मेहनती समाज है, ईमानदार समाज है, जिसका लेता है उसका देता है। ऐसे समाज के लोगों को कोई विकास करने से नहीं रोक सकता, हमें शिक्षा पाने से आज कोई नहीं रोक सकता। बस कुछ चीजों की जरूरत है जिन्हें हमें समझना है और समाज को समझाना है। उन बातों में से मैं एक बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक कोटेशन को कोट करते हुए बाबा साहब ने कहा था, मैं किस व्यक्ति को शिक्षित मानूंगा। बाबा साहब ने कहा, मेरी नजर में कौन शिक्षित होगा? अगर किसी व्यक्ति ने अनेकों डिग्रियां ले रखी हैं और उस व्यक्ति को अपने गौरवशाली धर्म, महान संस्कृति और शक्तिशाली इतिहास का ज्ञान नहीं है तो मैं ऐसे व्यक्ति को पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मानूंगा। बाबा साहब की इस कोटेशन से यह अर्थ निकलता है कि हम जब किताब और बस्ता अपने हाथ में ले रहे हैं, जब हम डिग्रियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमें कम से कम हमारा गौरवशाली इतिहास याद होना चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है इसका भी हमें पता होना चाहिए, हमें हमारे धर्म का पता होना चाहिए। आज भारी खुशी हो रही है कि जहां हमसे हमारा धर्म छीना गया वो धर्म बाबा साहब ने हमें लौटा दिया, हमसे हमारी संस्कृति छीनी गई, अनेकों संतों के प्रयास से जो चीज नहीं मिली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो हमें दे के चले गए, हमें हमारे इतिहास का रास्ता बता के चले गए। अब हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए
मानव मूल्यों को और उत्तरित करने के लिए अब आगे जब हम काम करेंगे तो निसंदेह हमारी पहचान एक शक्तिशाली समाज के रूप में होगी। यहां उपस्थित ये बौद्ध समाज के नौजवान, ये ज्ञानी और गुणी नौजवान जब ये नारा लगाएंगे, गर्व से कहो हम बौद्ध हैं, तो निसंदेह इस देश की माटी में रची बसी संस्कृति निसंदेह हमारे रोंगटे खड़े कर देगी, हमें अगवान करेगी कि हम उस दौर में चलें जिस दौर में भारत सोने की चिड़िया होता था। हमारे पुरखों की देन भारत के लिए तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लवी और उज्जैनी जैसी यूनिवर्सिटियां रही हैं। हमारे पुरखों की देन, हमारी संस्कृति की धरोहर इस देश को सोने की चिड़िया बनाना हमारे खाते में है, जीरो का आविष्कार करना हमारे खाते में है। हमने इस देश को ऊंचाइयां दी हैं, हमारे पुरखों ने इस देश को सींचने का काम किया है, लेकिन आज वास्तव में जिस चीज की जरूरत है वो हमारी पहचान है, वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। जिस समाज की कोई अपनी पहचान नहीं होती वो उस पर कोई भी रंग डाल दो वो उसी रंग में चला जाता है। जैसे पानी होता है ना, भाई लाल रंग डाल दिया पानी कैसा हो गया लाल, हरा डाल दिया हरा, पानी की नेचर होती है उसको कैसे भी रंग डाल दो वैसे ही हो जाता है। अब ऐसी जब नेचर हो जाती है तो कोई आकर के कुछ भी बोल देगा, जय श्री राम बोल दिया तो बस हो गए शुरू, नहीं। हमें समाज को जाकर के समझाना है कि जय करेंगे तो उन महापुरुषों की करेंगे जिनकी वजह से टाई बांधने का काम किया है, जय करेंगे तो उनकी करेंगे जिन्होंने हमें सम्मान के साथ सर उठाने का मौका दिया है। हम किसी अन्य की कोई जय जयकार करने वाले नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया, धर्म कौन सा है हमारा, बुद्ध धर्म, संस्कृति कौन सी हमारी, बौद्ध संस्कृति, इतिहास कौन सा है हमारा, बौद्ध इतिहास है, श्रीमद संस्कृति का इतिहास है, हमारे नारे कौन से, हमारे नायक कौन से, ज्योतिबा फुले, पेरी रामास्वामी नायकर, भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बिंबसार, अजातशत्रु, साहब कांसीराम, बाबा साहब अम्बेडकर समेत तमाम ये हमारे नायक हैं। हमें ऊधम सिंह को याद करना चाहिए जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के इस देश के दुश्मनों को जवाब देने का काम किया। आज आवश्यकता गांव गांव जाकर के सोए हुए समाज को उसका इतिहास बताने की आवश्यकता है, उसको उस रूप में शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे कि वो इन चीजों को जान सके। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं। यह कहानी हरे बाग की कहानी है। बाग हरा हो गया। भाई बाग कैसे हरा हो गया, हम अपनी दादी, दादा, ताई, ताऊ से सुना करते थे कि भाई कोई महापुरुष आया और सूखा हुआ बाग हरा हो गया। मैं बचपन में छोटा था, मैं सोचता था कि भाई बाग कैसे हरा हो गया, तो बाग हरा हो गया। मैंने बाग को अपनी आंखों से हरे होते हुए देखा। एक बाग सूख गया था, बाग बहुत बड़ा था, उस बाग में हजारों लाखों पेड़ थे। बाग क्यों सूख गया था, क्योंकि उस बाग को पानी नहीं मिल रहा था, बराबर में एक हरा बाग था जिसको उसके हिस्से का भी पानी जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाम के एक महापुरुष आए जिन्होंने इस बाग का जो पानी दूसरे बाग को जा रहा था, लड़के झगड़ के वो पानी अपनी दिशा में मोड़ा और धीरे 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 ये बाग हरा हो गया। वो बाग कौन सा है, वो बाग बौद्धिज्म का बाग है, वो बुद्धिज्म का, बुद्ध संस्कृति का बाग है। इसको हमें आगे बढ़ाना है। आदरणीय संचालक महोदय जी का इशारा मेरी तरफ आ गया है। मैं आज यहां कुछ बातें कहते हुए अपनी बात बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। युवाओं से मैं एक अपील करूंगा, कार्यकर्ताओं से खासकर अपील करूंगा, साथियों केवल नारे लगाने भर से कोई काम हो जाए यह संभव नहीं है।
परिवर्तन के लिए हम आलोचनात्मक रवैया अख्तियार करते रहे, इससे भी कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है। हमें सकारात्मक सोच का विकास करना है, सकारात्मक नजरिए के साथ हमें आगे जाना है। कोई साथी, चूंकि हम लोग कहां से आ रहे, निकल के गंदगी और गुलामी से निकल करके आ रहे हैं, जिस तोहमत में हमको धकेल दिया, जिस नीचता में हमको धकेल दिया, वहां से हम निकल के आ रहे हैं, थोड़ी गंदगी लगा होना स्वाभाविक है। कोई साथी जब हिम बोलने लग गया, कोई साथी बदनामी करना सीख गया, कोई साथी आपके साथ कार्यक्रमों में जाना सीख रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। हमें समझना है कि यह बातें चोट पहुंचाने वाली होती हैं। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप जाकर के देखोगे, मीन मेघ निकालोगे, कोई किसी की घरवाली की मांग को देख करके टीका टिप्पणी करते हैं, कोई किसी के घर में जाकर के देखते हैं कि ये लगा वो लगा। साथियों, ये गंदगी है। हमें समझना होगा, जब एक नाली में गंदगी में कोई व्यक्ति गिर जाता है ना, उसे 5 दिन नहलाने के बाद भी बदबू नहीं जाती। अरे, ये समाज तो सदियों से इस नरक में डला हुआ था, हम निकल तो रहे हैं, हमारे भाई वापस तो आ रहे हैं। ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, उनका स्वागत और सम्मान करो। जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उन्हें सीने से लगाओ, आलोचनात्मक रवैया बंद करो। और एक बात मैं कह दे रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में अगर किसी की स्पीड नापनी हो तो हमसे नापे, हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं। एक बात और मैं कहूंगा इस मौके पे, यह बात कहनी जरूरी है, जितनी चीजों की हमें समझ होनी चाहिए उनमें हमारी वोट भी है, उनमें हमारी वोट भी है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम सबको शक्ति दे करके गए वोट के रूप में। निसंदेह हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी वोट कहां डल करके तुरप साबित होगी, कौन सा ऐसा संगठन है जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। कोई बहकाने आए तो बहकना नहीं, क्योंकि राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और तमाम तरह की शक्ति मिलकर के ही किसी समाज को पूर्ण बनाती है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।